सेपटे जीतिगला पाकिस्तान आउ एपटे भारतर बढ़ीगला चिंता। हाँ दर्शक बंधु, चलित टी ट्वेंटी विश्वकप सुपर 12 पर्यायर दक्षिण आफ्रिका को परास्त करिछि पाकिस्तान। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाइथिबा एही वर्षा बाधाप्राप्त मैच रे 33 रन रे पाकिस्तान विजयी होइछि। टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करिथिबा पाकिस्तान 9 विकेट हराई 185 रन रो विशाल स्कोर छेड़ा करिथिला। तेबे वर्षा हेबारु मैच को 14 ओवर को कमाई दिया जिबा सह 186 रन रो विजय लक्ष्य को 142 रन को ह्रास करा जाइथिला। किंतु जवाब रे दक्षिण आफ्रिका 9 विकेट हराई मात्र 108 रन करिबा को सक्षम होइथिला। तेणु डकवर्थ लुइस मेथड अनुजाई पाकिस्तान 33 रन रे विजय हासिल करि सेमीफाइनल रेस रे एंट्री करिछि। तेबे आसंता 6 तारीख रे 3टी मैच खेला जिबा को थिबारु सेही दिन ही स्पष्ट होइ जिवो केउ दल सेमीफाइनल रे प्रवेश करिवो। सोमवार दक्षिण आफ्रिका नेदरलैंड को भेटिबा को थिबा बेले पाकिस्तान बांग्लादेश मध्यरे मुकाबला हेबो। एहा सह सेही दिन भारत मध्यो जिम्बाब्वे विपक्ष रे तार शेष मैच खेलिबो। एपटे पाकिस्तान दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे विजयी होइथिबारु भारत को सेमीफाइनल खेलिबा को हेले जिम्बाब्वे विपक्ष रे निश्चय विजय हासिल करिबा को पड़िबो। कारण भारत जदि जिम्बाब्वे विपक्ष रे हारी जाए एवं सेपटे बांग्लादेश विपक्ष रे पाकिस्तान जदि जीति जाए ताहेले पाकिस्तान सेमी रे प्रवेश करिबा सह भारत विश्वकप दौड़ बाद पड़िजिबो। तेणु सेमीफाइनल खेलिबा को हेले जिम्बाब्वे को निश्चित भावे परास्त करिबा को पड़िबो। जदिओ वर्तमान स्थिति रे भारत तुलना रे जिम्बाब्वे दुर्बल दल तेबे एहाकु हालुका भावे नेबा बोकामी हेबो। कारण पूर्वरु पाकिस्तान भली शक्तिशाली दल को हराई चलित विश्वकप रे विपर्जय सृष्टि करि सारिछि जिम्बाब्वे। एहा सह भारत चलित विश्वकप रे पाकिस्तान एवं बांग्लादेश विपक्ष रे विजयी होइथिले मध्य जेउ भली भावे संघर्ष करिछि ताहा दलर अनेक दुर्बलता को पदारे पकाइछि। तेणु जिम्बाब्वे विपक्ष रे जितबा को हेले टीम इंडिया को पड़िया रे पूर्ण सामर्थ्य प्रदर्शन करिबा को पड़िबो। क्रिकेट एक अनिश्चिततार खेल होइथिबा बेले जिम्बाब्वे मध्य चलित विश्वकप रे निज लढुआ मनोभावर परिचय दे सारिछि। एणु भारत को सेमीफाइनल खेलिबा को हेले एही दल विपक्ष रे निश्चित विजयर आवश्यकता रहिछि। ब्युरो रिपोर्ट, ओडिसा भास्कर। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।